तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनिष्का क्लासेस में। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी भर्ती परीक्षा राजस्थान, पटवारी भर्ती परीक्षा में कितने पद है, कब से आवेदन शुरू होंगे। वैसे आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो आवेदन कब तक के इसकी लास्ट डेट है, कितने पोस्ट है, कितनी फीस लगेगी, किस किस जिले से कितनी पोस्ट हैं, क्या क्या इसमें प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, कितनी इसमें क्वालिफिकेशन है, एबिलिटी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसके बारे में हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके आवेदन कब से शुरू होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके आवेदन 25 तारीख से शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 25 अक्टूबर से पटवारी भर्ती परीक्षा राजस्थान के आवेदन शुरू हो चुके हैं और दोस्तों इसकी लास्ट तारीख है वो है 10 तारीख। जी हाँ दोस्तों, 10 नवंबर इसकी लास्ट तारीख है, उससे पहले आप ये जो आवेदन है वो स्वीकार किए जाएंगे, उसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आप 25 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक इसके आवेदन करवा सकते हैं। 25 तो चली गई है, अब 30 तारीख आ चुकी है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा क्या है कि स्टूडियो सेटअप बनाने में थोड़ा लेट हो चुका था, तो दोस्तों लेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको। तो 10 तारीख लास्ट डेट है दोस्तों, अभी तो आपके पास काफ़ी टाइम है, 11-12 दिन का टाइम है। तो दोस्तों, आप इसको जल्दी से इसका आवेदन कर दे पटवारी भर्ती परीक्षा का। मुझे पता है कि बहुत ही युवा काफ़ी बेरे में से इसका इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आगे, इसके बाद में मैं बताना चाहता हूँ उसके बाद दोस्तों इसमें पद कितने हैं। जी हाँ दोस्तों, पद है 3835 पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान भर्ती परीक्षा पटवारी के 3835 पदों पर यह भर्ती परीक्षा करवाई जाएगी, जो कि दोस्तों अलग अलग जिले वाइज करवाई जाएगी। वो जिलों के मैं लास्ट में नाम बताऊँगा दोस्तों के कितने जिले हैं, किस जिले में कितनी पोस्ट है, किस जिले में कितनी पोस्ट है, वो लास्ट में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आप अच्छा देख करके उसमें भरना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात बताऊंगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग है। जी हाँ दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसको 5% इसमें छूट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप राइट सुन रहे हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5% इस भर्ती परीक्षा, जो पटवारी भर्ती परीक्षा है राजस्थान की, इसमें छूट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों सामान्य वर्ग में जो पिछड़ा वर्ग है, जी हाँ दोस्तों सामान्य वर्ग में जो पिछड़ा वर्ग है उनको 10% छूट मिलेगी। बहुत ही खुशखबरी की बात यह है कि सामान्य वर्ग में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो सामान्य वर्ग में जो पिछड़ा वर्ग है उसको 10% छूट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या एबिलिटी क्या चाहिए। तो दोस्तों इसमें एबिलिटी ये चाहिए कि 12वीं पास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 12वीं पास होना चाहिए और कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आजकल कंप्यूटर डिप्लोमा तो सभी के पास होता ही है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं दे पाओगे। कंप्यूटर डिप्लोमा होना ही चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। जी हाँ दोस्तों, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। इसमें दोस्तों आयु है 18 वर्ष से 35 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, आयु है 18 वर्ष से 35 वर्ष। आप सुन रहे हैं राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2019 के बारे में, इसमें आयु चाहिए 18 से 35 वर्ष की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं बता देना चाहता हूं कि एससी और एसटी और ओबीसी में अलग अलग छूट दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एससी एसटी और ओबीसी भी इसमें शामिल है, इसमें अलग अलग छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो फॉर्म को हमें कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है। तो दोस्तों कहाँ पर जाना है हमें, आप ढूंढोगे कि जॉब अलर्ट पर देख लेते हैं, फलाना डिम का किसी भी अलग वेबसाइट पर हम देख लेते हैं कि फॉर्म भरने का कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा, सर आप क्या बोल रहे हो। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये फॉर्म SSO ID, आपकी SSO ID है, उसको ओपन करना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको SSO ID ओपन करनी है, उसके बाद दोस्तों फॉर्म भरने के बाद जो पटवारी भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरना है और फीस कटानी है। जी हाँ दोस्तों, पटवारी भर्ती परीक्षा का जो SSO ID ओपन करके उससे फॉर्म भरवाना है और जो फीस है वो कटवानी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे कि फॉर्म भरने के बाद दोस्तों जो प्रिंट आउट होगा, लास्ट प्रिंट आउट जिसमें आपकी पूरी डिटेल होगी, वो प्रिंट आउट आपके पास होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप कान खोल के सुन लें और एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, अगर समझ में नहीं आया है, कुछ फास्ट बोला जा रहा है तो दोस्तों फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि
थोड़ा कि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, आपका देखने का जी नहीं करेगा, लेकिन मैं इसमें वीडियो में क्लियर कट आपको सभी चीज़ बताऊंगा। अगर कोई चीज़ रह चुकी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं दोस्तों। अब एकदम फ्री हूँ मैं, कमेंटों के आपके जवाब दूंगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि जो प्रिंट आउट है वो फॉर्म भरने के बाद दोस्तों प्रिंट आउट है उसको आपको लेना ही लेना है, 100% लेना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों क्या क्या इसमें सब्जेक्ट है, क्या क्या इसका सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट आएगा हमारे जो, उसके बारे में हम बात करेंगे। सब्जेक्टों के नाम के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों जीके आएगा, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आएगा जीके। तो जीके दोस्तों कितने नंबर का होगा, पहले तो इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, जी हाँ दोस्तों 50 क्वेश्चन होंगे, जीके के 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 नंबर के होंगे, जीके के 50 क्वेश्चन होंगे और वो 100 नंबर के होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक प्रश्न जीके का 2 नंबर का है, ठीक है, 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें लेवल क्या होगा, जीके में क्या लेवल होगा, 10वीं और 12वीं पास का लेवल होगा। जी हाँ दोस्तों, जीके में है जो 10वीं और 12वीं पास का लेवल होगा, तो 10वीं 12वीं पास का नॉर्मल लेवल होता है, वो आप ध्यान से देख लेना, आप देख लेना अपने हिसाब से। तो दोस्तों दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा सिलेबस है जो जनरल हिंदी। जी हाँ दोस्तों, जनरल हिंदी में 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 ही नंबर का होगा। जनरल हिंदी में 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 ही नंबर का होगा, एक प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा, उसमें भी दोस्तों लेवल है वो 10वीं और 12वीं पास का ही होगा, ठीक है दोस्तों। इतना आपके समझ में आ गया है तो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। आगे दोस्तों मैं इसमें नेक्स्ट बताना चाहता हूँ आपको कि तीसरा हमारा ऑप्शन है वो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स और कुछ प्रश्न मैथ के आएंगे और कुछ प्रश्न रीजनिंग के आएंगे, कुछ मैथ के और कुछ रीजनिंग के, दोनों प्रश्न आएंगे, मिक्स में आएंगे दोस्तों। वो प्रश्न कितने आएंगे दोस्तों, 25%। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2019 के बारे में, जिसमें रीजनिंग और मैथ के प्रश्न 25 आएंगे और वो 25% 100 नंबर के होंगे। जी हाँ दोस्तों, 25% 100 नंबर के होंगे, ठीक है दोस्तों। आप देख लेना कि एक नंबर, एक प्रश्न है वो 4 नंबर का हो जाएगा इसमें, ठीक है दोस्तों, आप जानते ही हैं ऐसे तो वो। अब इसमें दोस्तों करना क्या है आपको कि 25 रीजनिंग में से तो एक गलत भी होना भी नहीं चाहिए आपके, रीजनिंग और मैथ का तो एक दो प्रश्न गलत हो सकता है, लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपको ये करना ही है 100%। रीजनिंग और मैथ तो क्लियर कर ही लो, ताकि 25 प्रश्नों में भी 100 नंबर का है, एक क्वेश्चन सही हो गया तो 4 नंबर हो जाएंगे आपके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लेवल 10वीं और 12वीं का आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें साइंस और रीजनिंग में भी लेवल 10वीं और 12वीं का आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे कि चौथा टॉपिक ये है कि दोस्तों जनरल हिंदी। तो दोस्तों जनरल हिंदी में क्या आएगा कि 25 क्वेश्चन आएंगे, ओनली फॉर 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल हिंदी में, वो 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। जी हाँ दोस्तों, 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, जो कि एक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा, ठीक है दोस्तों। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा कि जनरल हिंदी में, चौथा टॉपिक है हमारा, 4 पार्ट में पेपर जो सिलेबस होगा उसमें दोस्तों चौथा है जो 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल हिंदी के, जिसमें दोस्तों जनरल हिंदी में क्या आएगा, कंप्यूटर बेसिक। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जो आप, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 50 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ये ध्यान से देख लेना कि एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। उसके बाद दोस्तों आपको रही मेन बात, मोस्ट बात ये रही कि पूरे प्रश्न कितने हैं और पूरा नंबर कितने का होगा। तो दोस्तों ये जो पटवारी भर्ती परीक्षा 2019 का पेपर है वो आपके 150 नंबरों का होगा, 150 नंबरों का ये पेपर होगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुन लेना। 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें और 300 नंबरों का होगा ये, ठीक है दोस्तों। ये जो पटवारी भर्ती परीक्षा 2019 है, जिसका जिसमें प्रश्न है वो 150 आएंगे और नंबर है वो 300 नंबरों का ये होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें मोस्ट बात ये रही कि टाइम कितना मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि टाइम काफ़ी होना चाहिए, कितना टाइम है कितना टाइम नहीं है, आप रीजनिंग मिलाने में कितना टाइम लगाते हो, साइंस के क्वेश्चन मिलाने में कितना टाइम लगाते हो, आप कितना नए लगाते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों मैं राजस्थान भर्ती, जो राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा है इस 2019 के बारे में आपको बता देना, इस पैटर्न के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें टाइम है ओनली फॉर 180 मिनट। तो 180 मिनट
180 मिनट के कितने हुए, 3 घंटे। जी हाँ दोस्तों, 3 हॉर्स आपके पास है, 3 घंटे आपके पास में है। तो 3 घंटे में दोस्तों 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ज़्यादा टाइम दोस्तों रीजनिंग और मैथ में लगता है तो उसको एक बार आराम से देख लेना, क्योंकि रीजनिंग मैथ में ही आपके नंबर आने वाला है। और तो कुछ ज़्यादा है नहीं दोस्तों, एक थोड़ा क्वालिफिकेशन में थोड़ा चेंजिंग हुआ है जिससे काफ़ी बच्चे रह सकते हैं। एक तो 12वीं पास है और एक डिप्लोमा है जो कंप्यूटर का है, साइंस डिप्लोमा है वो कंप्यूटर का है। कंप्यूटर का जो जैसे कि ओ लेवल वगैरह वगैरह जो भी हो सकता है वो देख लेना आप एक बार। और दोस्तों विशेष तौर से ध्यान रखना कि ये जो फॉर्म है वो SSO ID से भरना है। आपकी SSO ID अगर बनाई हुई है तो ठीक है, अगर नहीं बनाई हुई है तो आपको SSO ID से ही ये फॉर्म भरना है, ये बात ध्यान में रखें। और दोस्तों लास्ट बार एक बार और बता देना चाहता हूँ मैं कि ये फॉर्म है जो 25 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 10 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें, और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कमेंट और लाइक तो करना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को तो दबाना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।